नेहा प्लीज एक बार सोच कर तो देखो। हेरा, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं अब्बा के प्रोफेशन के साथ से नहीं खेल सकती। ये देखो अफान की कॉल आ रही है, फिर पूछेगा मुझसे। तो एक काम करो ना, उससे कहो कि 2-4 दिन के लिए यूनिवर्सिटी आ जाए, मैं उसको तैयारी करा दूंगी एडमिशन टेस्ट की। वो नहीं आ सकता, हालांकि 2 हफ्ते पहले टांग टूट गई है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो उनकी बाकी आल औलाद कहाँ है? यार नेहा, वो इकलौता बेटा है, खालू तो मजे कर रहे हैं दूसरी शादी करके, इन दोनों बेचारों को अकेला छोड़ा हुआ, पता है घर का खर्चा भी नहीं देते। यार नेहा प्लीज तुम उसका मुस्तकबिल बना दो, देखो ये भी तो इंसानियत की खिदमत है। ये इंसानियत की खिदमत कहाँ से है बहन? सवाब की नियत से करोगी तो अल्लाह भी माफ कर देगा, अल्लाह तो नियतों का हाल जानता है ना। क्या खाक सवाब मिलेगा मुझे अगर मैं इस काम के पैसे लूंगी? पैसे तो तुम अपनी मेहनत की लोगी, वो कोई आसान काम थोड़ी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी खाला के हालात खराब है, तो फिर ये लोग 1 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे? यार उन्होंने कोई कमेटी डाली थी, उसी के देंगी। ये तो उससे भी ज्यादा घटिया काम है कि मैं किसी के कमेटी के पैसे खा जाऊं। ना बाबा ना, मैं तुम्हें शक्ल से कमेटी खाने वाली लगती हूँ? नेहा तुम वो छोड़ो ना कि पैसे कहाँ से आ रहे, तुम ये सोचो कि अगर उसका एडमिशन हो गया तो खाला तुम्हें झोलियां भर भर के दुआएं देंगी। एक मिनट। हेलो जी, नेहा कुतुबुद्दीन बात कर रही हूँ। जी, मैंने ही ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है, 2 बजे। ओके, देखो मैं ये गलत काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीमार खाला के खातिर कर रही हूँ। जैसे ही अब्बा से मेरे ताल्लुकात ठीक होते हैं, मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी, तुम उसको दे देना। बस अब तुम पेपर पार करने की सोचो। हाँ चलो, राइट क्यों कैंसिल हो जा रही है? अरे अरे तुम अभी तक यही हो? मम्मी, राइट का वेट कर रही हूँ बस। 1000 बार कहा है अपने अब्बा के साथ चली जाया करो यूनिवर्सिटी। वो 9 बजे जाते, इतनी जल्दी जाके मैं क्या करूं? मेरे तो सुपरवाइजर भी 12 बजे आते हैं। अच्छा जाओ अपने दद्दू को उठाओ, उनसे कहो वेस्पा पे छोड़ आए तुम्हें। दद्दू की कितनी तबीयत खराब है, कितना फ्लू हो रहा है उन्हें, मेडिसिन लेके सो रहे हैं वो। तो सरमत को फोन करो, वो इसी वक्त रेस्टोरेंट जा रहा होता है, छोड़ देगा तुम्हें। मम्मी अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो वो भी नहीं लगता जो तुम लोगों ने कल किया है उन बेचारों के साथ, पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। आपके ताने सुनने से अच्छा मैं सरमत भाई को ही कॉल कर लूं। जी महाजी, हुक्म कीजिए। सरमत भाई आप घर पर ही है ना? जी जी आप खैरियत? अगर आप घर पर हैं तो प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आप रेडी हैं? मैं अभी आ जाता हूँ, आई जस्ट कम। जी जी मैं लॉन में ही हूँ। ओके ओके। कमर टूट जाए लेकिन ये ऑफर हाथ से नहीं जानी चाहिए। बाबा आपका फोन मैं अभी नहीं उठाऊंगा। ये क्या है? डरो मत, उस नुकसान का बिल नहीं है जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट का किया था। तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, खुद पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हें भी 3 गज की लंबी जबान दी है, पढ़ के बता दो। साइंस एक्सिबिशन है,